नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस या अखंड रामायण, आप दोनों चीज़ें आपके लिए बजाने के लिए बेहतरीन तर्ज हम लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत बेहतरीन तर्ज है, आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाई होगी यह तर्ज और ना ही आपने सोचा। बहुत सिंपल नोट्स पर है, एकदम से आपको लय, मैन चीज़ होती है लय आना, तो आपको एकदम से इसकी लय बहुत आसान तरीके से इसकी लय जो है आपको तुरंत ही आ जाएगी। तो इस रामचरितमानस की तर्ज को हम सीखते हैं। रामचरितमानस बजाइए या फिर आप जो है अखंड रामायण बजाइए या फिर जो है आप सुंदरकांड बजाइए, ठीक है? खाने के तक क्या भैया? तो ये चीज़ें जो है आप बहुत आसान तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अब किस तरीके से बजाएंगे ये थोड़ा सा हम गौर करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, जय श्री राम अवश्य लिखते हैं। तो फटाफट अपन जो है आप सीखते हैं किस तरीके से बजाएंगे। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, बोलो राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। अरे हुई है वही जो राम रचिरा था, को करीब कुछ भी आप गाएं जैसे अरे नाथ सकल सम पदा तुम्हारी, मैं सेवक सा मेत सुध नारी, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। अब ये फटाफट जो है इसको हम बहुत स्लो मोशन में और कोई भी आप चौपाई इस पर बजा सकते हैं। जो भी पूरी रामचरितमानस की आप या अखंड या रामायण या फिर आप सुंदरकांड की कोई भी चौपाई जो है इस पर आप जो है बहुत आसान तरीके से अपना प्ले कर सकते हैं। तो फटाफट जो है देर नहीं करते हैं और इसको सीखना शुरू कर देते हैं। कि मंगल भवनया मंगल हारी, अब देखिए सीखिए ध्यान से, कि मंगल भवन, अब ये पा माधा पागा पा माधा पागा, मंगल भवन मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या पाधा पा पा माधा पागा, रे सा नी सा मागा रे सा, मंगल भवनया मंगल हारी। बहुत सिंपल है, कितनी बटनें दब रही हैं गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, यानी कि 14 बार, 1 2 3 4, एक यहाँ पर हुआ, 2 यहाँ पर हुआ, 3 यहाँ पर हुआ, 4 यहाँ पर हुआ, ठीक है, 5 सीधा यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, 11 यहाँ पर आएगा, 12 और 13, ठीक है, 13 बार दबाए ना, तो 13 बार दबने पर हमारी पूरी ये गायकी बन गई है। अरे जो तुम्हारे मन का जो संदेह तो किन जाई परे चाले हो, कोई सी चौपाई गा सकते हैं आप जैसे एग्जांपल फॉर,
धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर रखिए चारी। राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। अब ये राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, ये एक एक, एक म्यूजिक बनता है, तो इस म्यूजिक को भी हम देख लेते हैं और समझते हैं। जैसे हमने म्यूजिक क्या बनता है, एक चौपाई और गाकर दिखाते हैं, फिर उसके बाद म्यूजिक। जहां सुमति तहां संशय नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब इसके बाद हमारा म्यूजिक पार्ट है, वो शुरू होगा। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय। अब ये सीखिए, ठीक है, इसको देखिए, ये हमारा नीचे उठेगा, ठीक है। सीता राम जी की जय, हो गया ना, नी सा सा सा। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय। पहले नी सा सा सा, नी रे रे रे। पहली बार में, फर्स्ट बार में, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, नी नी सा सा सा, नी नी रे रे रे। राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम। अभी राजा राम तारे मागा, राजा राम जी की जय, सारे मा राजा राम जी की जय, सारे मा गा मा राजा राम जी की जय, सीता सारे मा गा मारे सानी गारे सा। लास्ट में निगारे सा, जैसे देख लीजिए। राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा। तो इस पर आप कोई सी भी चौपाई अपना आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।